सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वैभव शर्मा, इंटरनेट लेक्सिस एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून एंड करंटली परस्यूइंग माई डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ देहरादून. सो इन यस्टरडेज वीडियो आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट वाई ट्विटर लॉस्ट इट्स यू नो लीगल स्टेटस इन इंडिया, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, उन्हें एक इंटरमीडियरी स्टेटस दिया जाता है, एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो कि ट्विटर से छीन लिया गया क्योंकि उसने जो नई गाइडलाइंस आई थी आईटी रूल लॉ की, उन्हें फॉलो नहीं किया. इस वजह से ये सब हुआ था, उसके बारे में मैंने बात करी है प्रीवियस वीडियो में. सो अवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज आर्टिकल 22. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 21 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 21 यू नो स्पीक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए हैं एक दूसरे के, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को इंडिया में यू नो इनेक्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी है, जो यू नो पर्सनल राइट्स है, उन्हें रिस्ट्रेन किया जाए. इसी के ऊपर बेस्ड है आर्टिकल 22, क्योंकि रूल ऑफ लॉ हम कह सकते हैं कि एक मजबूत नींव है जिसके ऊपर हमारा पूरा इंडियन लीगल सिस्टम टिका हुआ है. तो आज की वीडियो में हम आर्टिकल 22 के ऊपर बात करेंगे. हम बात करेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन की, प्रिमिटिव डिटेंशन की, इनके बीच में क्या डिफरेंस है. तो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 22 बात करता है अरेस्ट से प्रोटेक्शन के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं बात करता है अरेस्ट से प्रोटेक्शन या फिर डिटेंशन के बारे में. आर्टिकल 22 के अंदर 7 क्लोजेस हैं, जिसमें कि क्लोज 1 और क्लोज 2 बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन की. क्लोज 3 बात करता है कुछ एक्सेप्शंस की, कुछ एक्सेप्शनल केसेस की. और जो क्लोज 4 से क्लोज 7 है, वो बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में. तो आइए जानते हैं एक एक करके कि ये सब है क्या आखिरकार. उससे पहले हम बात करते हैं इन वर्ड्स की मीनिंग के बारे में, कि आखिर इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है. तो हम शुरुआत करते हैं अरेस्ट से. अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट बेसिकली एक टेक्निकल या फिर कह सकते हैं एक लीगल यू नो वर्ड है, जिसका मतलब होता है रिस्ट्रेन करना. कोई किसी भी पर्सन को किसी ऑफेंस के अंदर अगर यू नो कोई ऑफेंस कर देता है, तो उसकी कुछ यू नो राइट्स है, कुछ जो लिबर्टीज़ है, मैक्सिमम लिबर्टीज़ और उसकी राइट्स को रिस्ट्रेन कर दिया जाता है या फिर कन्फाइन कर दिया जाता है, हम ये कह सकते हैं. उसे हम कहते हैं अरेस्ट. उसके ऊपर कुछ बंदिशें भी लगा दी जाती है कि उसे लोगों की कस्टडी में रहना है, लोगों के कंट्रोल में रहना है, एंड सो ऑन. तो आर्टिकल 22 के अंदर प्यूनिटिव डिटेंशन और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो दोनों ही कवर किए गए हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि अरेस्ट ऑफ ए पर्सन कैन बी डन आफ्टर द क्राइम, क्राइम करने के बाद अरेस्ट की करी जा सकती है. जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड चल रहा है, उसके बीच अरेस्ट की जा सकती है, कोर्ट्स के अंदर जो केस चल रहा है उसके बीच कोर्ट ऑर्डर पे. या फिर अरेस्ट तब भी की जा सकती है जब किसी क्राइम को रोकना हो, क्राइम करने से रोकने के लिए भी अरेस्ट की जा सकती है. सो आर्टिकल 22 में पुनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन का यू नो एक प्रोटेक्शन ही दिया गया है, ये हम कह सकते हैं. ये जो है जो प्रोटेक्शन है, ये हमेशा क्रिमिनल केसेस में ही होगा. ज़्यादातर सिविल केसेस में इनकी जो है प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता आमतौर पर. कि मान लो अगर कोई इनकम टैक्स का केस है, कि किसी भी एक व्यक्ति ने इनकम टैक्स नहीं भरा टाइम पे या फिर भरा ही नहीं, तो ऐसे केस के अंदर ऐसे जो प्रोटेक्शन है, जो पुनिटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव डिटेंशन, कोई भी इस कोई किसी भी संदर्भ का कोई केस हो जो सिविल नेचर का हो, उससे यू नो नहीं मिलेगा इसके अंदर प्रोटेक्शन. अब हम बात करते हैं पॉइंट वाइज कि पुनिटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिमिटिव डिटेंशन क्या होता है. तो जो प्यूनिटिव डिटेंशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो क्राइम किसी ने, अगर मान लो कोई ऑफेंस कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है किसी पर्सन ने, तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए. इसी के ऊपर ये ऑब्जेक्टिव है प्यूनिटिव डिटेंशन का. और
ये हमेशा क्राइम, और जो अगर हम बात करें यू नो क्राइम के बाद किया जाता है हमेशा पुनिटिव डिटेंशन से प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन की, जैसे नाम में ही साफ होता है, प्रिवेंटिव प्रिवेंशन से ही आया है वर्ड निकल के, तो इसका मतलब होता है क्राइम करने से रोकने के लिए जो जहाँ डिटेंशन किया जाता है वो कवर होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। और इसके आगे जो की जो चर्चा है वो हम करेंगे वीडियो 2 के अंदर। थैंक यू सो मच।